यही बैठे हैं सर गाँव में, ये अपने पर्ची में लिख कर ऐसे करते हैं। रिपोर्ट आप बिना साइन के दे देते हो सबको? जी सर। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की ओर से रेवाड़ी के गांव बीकानेर स्थित एक पैथोलॉजी लैब पर रेड की गई। रेड के दौरान लैब संचालक कोई भी पंजीकरण संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके चलते लैब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक गाँव बीकानेर में एक व्यक्ति बिना पंजीकरण के लैब संचालित कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की रेड की गई व लैब संचालक से तमाम विभागों की एनओसी मांगी गई तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके बाद लैब संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। लेकिन सवाल है कि एक लैब पर कार्रवाई जरूर कर दी गई लेकिन जिले में इस तरह की सैकड़ों लैब संचालित हो रही हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के डीएसपी राजेश चेची ने क्या कहा, उनको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर बीकानेर गांव के बस स्टैंड के आसपास जो स्थित एक निजी पैथ लैब की जब जांच की गई तो वहां पे जो संबंधित विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण विभाग, अग्निशमन विभाग और डीटीपी और सभी विभाग के जो ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने जब चेक किया, जो अनियमितता पाई गई उनमें नियमानुसार कार्रवाई और FIR दर्ज करने के लिए थाने में कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे अमल में लाई जाएगी।